बिहार राज्य शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो एकजुट हुए हैं और क्या मांग को लेकर के सरकार के पास यहाँ बैठे हैं। इनसे बात करते हैं, सर क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? बहुत भयंकर मांग है, आज तक तो हम लोग समझिए गए। सरकार के गलत नीति के कारण हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, इतनी बुरी तरह से फंसे हैं कि जीवन बर्बाद कर दिया। चाहे लालू जी का सरकार हो या रावड़ी जी का, और नीतीश भी वही कर रहे हैं। इनसे बहुत आशा थी और आशाओं पर इन्होंने पानी फेर दिया। और कुछ नहीं किए, झूठों के एगो अनुदान के नाम पर देते हैं कि झुनझुना थमाए हैं, जो कोई काम का नहीं, न बच सकता है, न जी सकता है, न मर सकता है, ये हालत है। कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हाँ, कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? करीब करीब 35-36 वर्ष हो गया। देख रहे हैं, केस सब झड़ गया, मुंह सब पक गया, दाढ़ी सब पक गए, और क्या आप हम दिखा में क्या मांग कर रहे हैं? ऐसा कि सरकार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वेतन निर्धारित कर दीजिए। सरकारी होने लगा तो सरकारी कीजिए, आपके पास फंड नहीं है तो कुछ भी तो कीजिए। काहे के लिए सरकार बनाए हुए हैं? आप हर जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं हो रहा है सर? सरकार की मंशा नहीं है करने का, इसलिए लोग नहीं कर रहा। सरकार को एकदम कंसिस्टेंट करनी चाहिए। सब लोग 40-45 साल बेहाल हो, 10,000 में कहाँ खटेगा लोग? और इधर पाठक जी आए हैं तो फरमान दिए हैं कि 10:30 से 3:30 आइए, तो बोलिए 10,000 में 6 घंटा कहाँ रहेगा आदमी? पैसा भी नहीं है और काम का टॉर्च भी नहीं, काम भी है तो उसमें कहाँ से आदमी रहेगा? रोज 10 बजे जाइए, 4 बजे तक आइए, 10,000 में तो घर का भी खर्चा नहीं होगा। क्या लगता है के पाठक फरमान निकालते हैं, आप लोग सरकार तक आवाज भी उठाते हैं? हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि फरमान खाली नहीं निकाली, हम लोग को फिक्स सैलरी दीजिए। इसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पाए हैं। काम दीजिए, पैसा दीजिए, काम होगा। हाँ, पैसा दीजिए, काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा, क्या होगा? बिना पैसा का कौन काम होगा? 6 घंटा बैठे हैं, 10,000 में एक किराया भी नहीं पूर पाए। तो एक लेबर कॉस्ट से भी कम है, लेबर कॉस्ट से भी कम है, 500 रुपया। कहा जाता है कि आप शिक्षक हैं? हम RPS कॉलेज पटना के शिक्षक हैं, RPS काम कर रहे शिक्षक का। मेरा कहना है सर कि ये कैसा गुणवत्ता शिक्षा में आ रहा है बिहार का। एक तरफ जो शिक्षक भूखे हैं वह भी पढ़ा रहे हैं आपको, और एक तरफ जो है 50,000 दे करके पढ़ा रहे हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं? हमको जो इंटरनल सोर्सेस से पैसा दिया जाता था 70%, उसमें मतलब 40 लड़का और 120 लड़का दे करके कॉलेज को छोड़ दिया गया है। कितना लड़का उससे कितना पैसा मिलेगा? और अनुदान का पैसा हमको 8 बरस का बाकी है। हम लोग का करियर खराब हो गया, मेरा बाल बच्चा का करियर खराब हो गया, हम लोग क्या करेंगे? सरकार के रूप में कितना पैसा मिलता है? अनुदान के रूप में 8,000 रुपये प्रति छात्र मिलता था, जो 1 करोड़ जब हिसाब बनता था 50 लाख का बैरियर लगा दिया इन्होंने, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और 50 लाख के बाद आप बराबर जांच पर जांच करके और 5-8 साल पीछे कर दिए, कैसे लोग आएंगे? पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? ऊपर से के पाठक भेजते हैं आदमी पदाधिकारी को कि जाओ जाँच करो टीचर आ रहा है कि नहीं, कैसे आएगा टीचर? जरा सा आप लोग भी पहुंचाइए इस चीज को सरकार में। के पाठक को हम क्या करें? क्या वो कार्रवाई नहीं करे कोई? बिल्कुल, तो हम भूखे कैसे ड्यूटी करें? कार्रवाई करें, अच्छा चीज है। हम नहीं जाते हैं पढ़ाने, बिल्कुल जाते हैं पढ़ाने, हम नहीं करें कार्रवाई, नहीं करें कार्रवाई करें, पैसा दें। क्या भूखे हम करेंगे काम? कौन करेगा? क्या सर, कितना कितना महीना से आप लोग का पैसा नहीं मिल रहा है? सर 10 साल से अनुदान लंबित है, ये तो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार इसको निजी संस्था मानती है। और हमारे महाविद्यालय में 1,000 बच्चों का एडमिशन होता था जिसके द्वारा पैसा मिलता था, तो शिक्षक को 10,000-5,000 भी मिलता था। सरकार उसको भी समाप्त कर दे, सरकार 40 सीट निर्धारित कर दे, और दोहरी नीति है अंग्रेज की तरह, अफ्रीका में जैसे रंग भेद नीति था वैसे रंग भेद नीति है। 2 कट्ठा जमीन पर 1 कमरे का विद्यालय है, उसको 10+2 करके और 500 सीट दिया गया, जहां न शिक्षक है, न बेंच है, न जमीन है, न संसाधन है, न प्रैक्टिकल कक्ष है, न कंप्यूटर है, कुछ नहीं है। कह रहे कि शिक्षा में सुधार हो रहा है? हाँ, यही सुधार हुआ। और जहां हमारे यहां 18 बीघा जमीन है, मकान है, भवन है, शिक्षक है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, सारा संसाधन है, तो हमारे यहां 40 बच्चे पढ़ेंगे, 40 से ज़्यादा के एडमिशन लेने की अनुमति नहीं है, कंप्यूटर से लॉक है, 40 बच्चा कितना पैसा? क्या कर रहे हैं आप लोग?
हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस अनुदान व्यवस्था को समाप्त करें, वेतन मान दें, एक रुपया ही सही अनुदान समाप्त करके खाता में, शिक्षक के खाता में वेतन मान दिया जाए और सीट नियोजित के समान, सारा चीज़ नियोजित के समान कर दें। हमारे पास जो संसाधन है उससे सरकार को भी बहुत फायदा होगा। क्या करेंगे अब आगे आप लोग, क्या करेंगे जी आगे आप लोग, क्या करेंगे सर आगे आप लोग, क्या करेंगे आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है सब तो सब कुछ हम लोग को लूट चुका है, हम लोग मरने और मारने के लिए अब तैयार है, अब डू एंड डाई होगा, क्योंकि यह शिक्षा का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जो 40 वर्ष से पढ़ा रहा है उसको कहते हैं कि वेतन वेतन रोको, उनको अनुदान समय पर नहीं मिल पा रहा है, वेतन तो छोड़े अनुदान भी मेरा नहीं मिला, 7 साल से मेरा लंबित अनुदान है। और यह सरकार वैसे ही स्कूल को अपग्रेड कर रही है जहाँ शिक्षक नहीं है, पंचायत स्तर में 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, मेरे पास अथाह बिल्डिंग है, हमारे पास उपस्कर है, प्रायोगिक रूम है, उसका व्यवहार नहीं कर रहा है, सरकार शिक्षा का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए हम लोग की अगली अब लड़ाई है कि अनुदान नहीं, हमें वेतन मान चाहिए, हमें एक रुपया ही मिले लेकिन हमारी खाता में मिल जाए, प्रबंध कमेटी को लूटने से बचाया जाए। और जो 50 लाख अनुदान मिल रहा था वो भी हमारे स्टूडेंट आधारित था, जो कि हमारे पास करते थे 600 लेकिन मिलेगा 384, 50 लाख फिक्स कर दिया गया। कितने शिक्षक हैं आप लोग पूरे राज्य भर में? राज्य भर में अभी भी हमारे से रिटायर भी हो चुके तब अभी हमारे 50,000 से ऊपर शिक्षक हैं। 50,000 से ऊपर है, ये मैं बीत रहित इंटर और माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, डिग्री को छोड़कर, लेकिन अब डिग्री भी मेरे साथ आ गया है। अगर टोटल मिला दिया जाए तो कर्मचारियों की संख्या, शिक्षकोत्तर शिक्षकों की संख्या करीब 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। क्या लग रहा है कि अब चुनाव का समय भी है, सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या आगे किसका कुछ अंजाम भी आएगा? क्या इसका अंजाम तो निश्चित कुछ होगा, या तो हमको बंद कर देंगे या हमको बेवतन मान दें, अब डू एंड डाई होगा, क्योंकि यह शिक्षा का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। जो 40 वर्ष से पढ़ा रहा है उसको कहते हैं कि वेतन रोको, उनको अनुदान समय पर नहीं मिल पा रहा है, वेतन तो छोड़े अनुदान भी मेरा नहीं मिला, 7 साल से मेरा लंबित अनुदान है। और यह सरकार वैसे ही स्कूल को अपग्रेड कर रही है जहाँ शिक्षक नहीं है, पंचायत स्तर में 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, मेरे पास अथाह बिल्डिंग है, हमारे पास उपस्कर है, प्रायोगिक रूम है, उसका व्यवहार नहीं कर रहा है, सरकार शिक्षा का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए हम लोग की अगली अब लड़ाई है कि अनुदान नहीं, हमें वेतन मान चाहिए, हमें 1 रुपया ही मिले लेकिन हमारी खाता में मिल जाए, प्रबंध कमेटी को लूटने से बचाया जाए। और जो 50 लाख अनुदान मिल रहा था वो भी हमारे स्टूडेंट आधारित था, जो कि हमारे पास करते थे 600 लेकिन मिलेगा 384, 50 लाख फिक्स कर दिया गया। कितने शिक्षक हैं आप लोग पूरे राज्य भर में? राज्य भर में अभी भी हमारे से रिटायर भी हो चुके तब अभी हमारे 50,000 से ऊपर शिक्षक हैं। 50,000 से ऊपर है, ये मैं बीत रहित इंटर और माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, डिग्री को छोड़कर, लेकिन अब डिग्री भी मेरे साथ आ गया है। अगर टोटल मिला दिया जाए तो कर्मचारियों की संख्या, शिक्षकोत्तर शिक्षकों की संख्या करीब 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। क्या लग रहा है कि अब चुनाव का समय भी है, सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या आगे किसका कुछ अंजाम भी आएगा? क्या इसका अंजाम तो निश्चित कुछ होगा, या तो हमको बंद कर देंगे या हमको बेवतन मान देंगे, अब यही हमारी लड़ाई है, या तो हमको बंद कर दीजिए, हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब इस तरह से नहीं होगा, ये लड़ाई हम क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, हम लोग के साथ तो सब दिन से सौतेला व्यवहार हुआ है, अब तो हम लोग समाप्त होने के कगार पर हैं। हम लोग माध्यमिक से हैं और हम लोग का तो 80% शिक्षक शिक्षकतर कर्मचारी रिटायर कर गए हैं। हम लोग के पास भूमि है, उपस्कर है, ट्रेंड टीचर है, अनुभव है, सारा चीज रहते हुए हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। एक चीज बताइए, लगातार शिक्षा को सुधार की बात की जा रही है, जब आप शिक्षक ही नहीं अपने पैसे से सही सलामत रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे? मानना ये है सर कि हम लोग शिक्षक अवैध है, विद्यार्थी पास आउट होता है वो वैध होता है, शिक्षक हम लोग वैध नहीं हो सके आज तक, वो वैध होता है, वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता है। खड़ा होने लायक जमीन नहीं है, उसको उत्क्रमित कर दिया, हम लोग 8 एकड़ लेकर करके पूरा उपस्कर के साथ हैं, तो हम लोगों को नाजायज 8 बरस का अनुदान रोके हुए है, सबका 7वां वेतन मिल रहा है, हम लोगों का पूर्व का अनुदान 8 वर्ष का नहीं मिला है, और जो प्राइमरी स्कूल है उसको 2 कट्ठा में उत्क्रमित करके +2 बना दिया गया है, और हम लोग सारा वित्त रहित कॉलेज में सारा उपस्कर सारा संसाधन है, उसके बावजूद भी हम लोगों के पास सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे, बीत रहित हम लोग, अब लोग हमारा नंसा नहीं, हम लोग मर मिटने को तैयार हैं, और नक्सलवाद पैदा करने वाला यही सरकार है,
हम लोग अंत में सभी महाविद्यालय एक एक राइफल लेंगे और सरकार को भूनने का काम करेंगे। अब हम लोग बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, अब हम लोग आतंकवादी आतंकवाद को नहीं बर्दाश्त करेंगे, आतंकवादी व्यवस्था को हम लोग दूर करना चाहते हैं, शिक्षकों को हम लोगों को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, हम लोगों को उन्होंने कभी नहीं सुनने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो हम लोगों का ये स्तर जो गिर गया है, हम लोगों के साथ इलेक्शन हम लोग करवाते हैं, सारा काम हम लोग करवाते हैं, लेकिन हम लोग शिक्षक अवैध माना जाता है, 8-8 साल का अनुदान हम लोगों को अभी नहीं मिला है, शिक्षक को बाध्य किया जाता है साथी बनाने के लिए, आतंकवाद बनाने के लिए, ऐसी सरकार। क्या सर, अब आर पार की लड़ाई लड़ने को आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिनकर की कहता है कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हमारे दिनकर के धरती बेगूसराय में ही खुला खेत के मैदान में माननीय नीतीश कुमार जी ने खेत में कैबिनेट लगा करके वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किए। समाप्त करने के बाद मैं क्या बताऊं उनके दिल और दिमाग में क्या है। गिल ने कितना अनुदान दिया है, 8 में अनुदान समाप्त किए और आज 24 है, मात्र 5 अनुवाद दिए, 5 अनुदान, 9 साल 10 साल का अनुदान बाकी है सर। और हमारा एसेट संसाधन करोड़ों की है, महज 2 कट्ठा में जहां मिडिल स्कूल है उसको उत्क्रमित करके प्लस 2 कर दिए हैं, शिक्षा के नाम पर कहां चेतना सत्र होगा। सर, आप लोग शिक्षक हैं, क्या सही में बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रही है? क्या शिक्षक संतुष्ट हैं? जिस तरह से शिक्षा विभाग सरकार के दावे किए जाते हैं, क्या कहीं से लग रहा है कि शिक्षक खुश हैं, छात्र पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाई है? कहीं गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है, केवल शिक्षा की सर ये जो अफसरशाही है उसके डर से 9 से 5 बजे शिक्षक पैक हो रहे हैं, बच्चे के प्रति उनकी थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है, गार्जियन खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है। एक विश्वास था वित्तहितों पर, जो दधीची की तरह हड्डी दान करके डिवोशन से समर्पित भाव से हम लोग पढ़ाए, रिजल्ट दिए, मेरा बच्चा बिहार टॉप किया है और हम वो शिक्षक आज पंचायत टॉप भी हम नहीं हैं। और सर एक ये विवेकानंद की पंक्ति है कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, हार को रखो लक्ष्य दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हम उस ओर चल चुके हैं सर। सर बच्चा सरकारी और मास्टर सरकारी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे को सब कुछ, बच्चा सरकारी सारा फैसिलिटी और हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग खर्चे रहते हैं। एक मजदूर जिसको 2008 में 200 रुपया मिलता था, आज उसको 500 मिल रहा है। हम लोग का अनुदान भी जो फिक्स हुआ वही है, जो हम लोग को 8 में फिक्स हुआ आज 23 में भी वही है, 14 पर बच्चा 6000 रुपया उस समय फिक्स हुआ। संजीव बाबू ये मुद्दा उठाए, अगर पैसा दीजिएगा तो उस रेशियो की बढ़ाइए, आपका 7वां वेतन 8वां वेतन, जिसको उस समय नियोजित को 5000 रुपया मिल रहा था हाई स्कूल में, उसको आज 40000, और हमको जहाँ पे रखे हैं वहीं रह रहे हैं। ये मुद्दा है, ये संजीव बाबू भी उठाया, ये बच्चा पूर्ण रूप से सरकारी और शिक्षक गैर सरकारी, ये सर दो नीति चलती है और इसको कोई नहीं देख रहा है, ये दो नीति। आगे क्या करेंगे आप लोग, आगे क्या करेंगे? आगे हमारी रणनीति है सर, हमारे साथ सभी विधायक MLC सब मौजूद है, हमारी लड़ाई सरकार से है और ये अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं जीवन और मरण की। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो बीत रही शिक्षक हैं उनका आक्रोश सामने में नजर आ रहा है और इनका सीधा कहना है, जब तक हमारी वेतनमान को तय नहीं किया जाता और हमें वेतनमान और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ऐसे में जो आगामी लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव, इसमें निश्चित रूप से सरकार को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।